अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं एसएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अगर आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं और इनिशियल से एसएसबी तक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो भाई लोगों, आज मैं आपसे वो एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि PMA 146 PMA लॉन्ग कोर्स में आ रहे हैं, तो अगर आप इनको कवर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पाक बिकेम मेंबर ऑफ OIC, तो OIC का जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं OIC को, तो पाकिस्तान इसका मेंबर जो था 1969 में बना था, ठीक है। फिर हमारे पास जी दूसरा सवाल ये है कि NACTA नास्टा इस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2013 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और ये नास्टा वर्क्स अंडर, तो ये आपने देख लेने की यार ये नास्टा जो है ये किसके अंदर वर्क करते हैं। बाबू सरपास कनेक्ट्स, तो ये KPK विद गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, बाबू सर पास करता है। फिर हाउ मैनी गजवा फॉट्स, तो 27 गजवा जो थे रसूलुल्लाह सल्लम ने लड़ी थी। विच ब्रांच ऑफ UNO इज़ ऑपरेशनल ब्रांच, तो ये भी आप देख लेना है कि यार कौन सी UNO की ब्रांच है वो ऑपरेशनल है। UN सेक्रेटरी जनरल एलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, तो UN सेक्रेटरी जनरल जो है ये 5 ईयर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और UN सेक्रेटरी जनरल जो है ये बिलोंग करते हैं कि कहाँ, किस कंट्री से, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, और आसिफ सईद ये है कि क्या बलाएँ, इसको आपने कवर देख लेने कि यार आजकल कौन है चीफ जस्टिस। विच कंट्रीज़ हाइएस्ट डिक्टेटर इन UNO, तो USA जो है वो है, ठीक है। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो थी ये कब हुई थी, 1867 में हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये सिकंदर मिर्ज़ा है, और ग़ज़वे बदर वाज़ फॉट इन मंथ, यानी कि ग़ज़वे बदर जो थी ये 17 रमज़ान को हुई थी। फिर विच ओलंपिक गेम वाज़ कैंसल्ड दिसंबर, ये जो थी ओलंपिक्स गेम जो थी ये कैंसिल की गई थी वर्ल्ड वार सेकंड में, ठीक है, 1944 में लंदन में। फिर नेक्स्ट जो है वो ये कि नेम ऑफ न्यूक्लियर बम ऑफ जापान, तो फिट मैन जो था वो बम का नेम था। फिर नेक्स्ट जो है वो ये कि रबुल खाली डेजर्ट इन, तो रबुल खाली डेजर्ट इन सऊदी अरेबिया में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि सूर्य मरियम इज़ इन विच पारा, तो सूर्य मरियम इज़ इन 16 पारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो ये कि लखनऊ पैक, तो लखनऊ पैक जो है ये 1916 में हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि यार वो इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्ड्स, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्ड्स जो है ये कुबना है, ये एकेडमिक में आ चुका है। उसके बाद जो है वो ये कि वो वाज द फर्स्ट एम्पायरल इन इंडिया, तो फर्स्ट एम्पायरल इंडिया जो थी ये मरियम एम्पायर थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हाइट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो 90 फीट जो थी उनकी हाइट थी। उसके बाद ये कि विच कंट्री हैज़ बिगेस्ट आर्मी, तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट आर्मी जो है वो चाइना की है। फिर उसके बाद जो है ये आता है कि यार विच मिलिट्री अवार्ड बिलोंग्स टू ब्रिटेन, तो विच मिलिट्री अवार्ड्स बिलोंग टू ब्रिटेन जो है ये विक्टोरिया क्रॉस है। विच प्रॉफिट स्लीप्स 100 ईयर्स एंड अगेन वो कब, तो हज़रत उसैर रज़ी अल्लाह अन्हा 100 ईयर्स के लिए सो गए थे और फिर दोबारा उठे थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि विच सहाबी मेंशन इन कुरान, यानी कि मोस्ट ये एक ओनली सहाबी है जो कि कुरान पाक में मेंशन है, तो इनका नाम जो है ये हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु है। मेंबर्स ऑफ सार्क, तो मेंबर्स ऑफ सार्क जो है ये 8 मेंबर्स है, और इनका क्या ना क्या नाम है, तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आपने पेन एंड MBBS याद कर लेना। पेन से पी से पाकिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, और आई से इंडिया, और एन से नेपाल, ये पेन हो गया। और MBBS से आता है हमारे पास मालदीव्स, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एंड एस से श्रीलंका। तो 8 मेंबर्स हैं और इनके आपको मैंने फार्मूला बता दिए, ठीक है। फिर स्पीकर ऑफ प्रॉफिट टाइटल ऑफ, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे इन्हें टाइटल दिया था स्पीकर का। फिर द इंसिडेंट ऑफ करबला, तो इंसिडेंट ऑफ करबला जो हुआ था ये 61 हिजरी को हुआ था। तो भाई लोगों, ये MCQ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, अगर आप इनको कवर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट निकल जाएगा। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।